हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये है मालती। मालती का पौधा देख लीजिए इस प्रकार से, इसमें काफ़ी खुशबू निकलता है और इसके बारे में मैं आप लोगों को कई जानकारी बता चुका हूँ। तो इसे संस्कृत में रंगून मालती के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे रंगून की बेल भी कह सकते हैं या मधु मालती के नाम से भी जान सकते हैं। तो समस्त भारत में घरों व बगीचों में श्रृंगारे के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, सजावट के लिए इसे लगाते हैं। इसके पुष्प अनेक श्वेत गुलाबी अथवा रक्त वर्ण के सुगंधित होते हैं, इसमें सांप भी लिपटा हुआ होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसका औषधीय प्रयोग सिखाऊंगा। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि इस प्रकार के पेड़ पौधों में काफ़ी औषधीय गुण छुपा होता है, बस थोड़ा बहुत हमें पहचानना आना चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारियां आती रहती हैं। कोई भी जानकारी है दोस्तों, मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूँ, व्यर्थ नहीं होती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते। जानकारी जो होती है हमेशा फायदेमंद ही होती है, हमेशा यूजफुल ही होती है। तो इसका प्रयोग सबसे पहले सिर के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है दोस्तों। जी हाँ, इसके बेल के पुष्पों को पीस करके मस्तक पर लगाने से सिर के दर्द दूर हो जाते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं या किसी में कीड़े आ गए हैं पेट में, तो इसके बीजों को पीस करके मधुरस के साथ में मिला करके खिला देने से उधर की कृमि। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप मधुरस बोलते हैं, तो मधुरस किसे बोलते हैं? तो मधुरस दोस्तों हनी, जिसे हम शहद बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, जिसे हम आप सभी को मधुरस के नाम से बोल देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इसे मधुरस ही कहा जाता है। इसे आप हनी बोल सकते हैं, शहद के नाम से भी जान सकते हैं। तो उधर की कृमि को या मारने का काम करते हैं। अतिसार में 2 से 4 भुने हुए इसके बीजों का सेवन करने से अतिसार में काफ़ी लाभ मिलते हैं। ज्वर होने पर 2 से 4 बीजों को भून करके पीस करके शहद मिला करके सेवन करने से ज्वर में भी काफ़ी आराम मिलते हैं। रिकेट्सा की बीमारी में इसके बीजों को प्रयोग कर सकते हैं। कभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आज की जो जानकारी बहुत ही छोटे ही से बनने वाले हैं। इसके बाद जो बड़ा कृमि होता है, जिसे ठीक नहीं होते हैं ना, बड़ा कृमियों की भी बात करूँ, पेट में कभी कभी आ जाते हैं, तो 4 से 5 इसके बीजों को पीस करके खिला देने से, खाली पेट खिलाना है तो बड़ा कृमि होते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो ये थे छोटे से जानकारी, बस 2 ही मिनट की इसके जानकारी थी आज के। यह जानकारी कैसा लगे हमें ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। और अगर और भी कोई इसका आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।